Hi, this is Khushboo with a new question of Iran's formula. This is question number 2 from exercise 12.1, page number 202 from NCERT. This says the triangular side wall of a flyover have been used for advertisement. A flyover is ki niche ki jo walls hain wo triangular shaped hain. Uski ek wall ko use kiya ja raha hai advertisement ke liye. The side of the walls are 122, 22 and 120 meters. So triangular region hai ki sides given hai 120, 22 or 122 meters. The advertisement yields an earning of 5,000 rupees per meter square per year. वहाँ से उनको एक साल में एक मीटर स्क्वायर का अगर एरिया यूज होता है 5,000 रुपीज की अर्निंग होती है. अ कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 months. एक कंपनी ने कि एक वॉल को 3 months के लिए हायर किया. सो हाउ मच रेंट डिड पे, वो कितना रेंट पे करे. सो हमारे पास सबसे पहले ये पता है रेंट पर मीटर स्क्वायर, मतलब एक मीटर स्क्वायर का फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए है रुपीज 5,000. एक साल के लिए का मतलब हुआ फॉर 12 मंथ्स. यहाँ स्लैश बुकिंग में भी डाल देते हैं कि दिस इज 12 मंथ्स का रेंट फॉर 1 ईयर या फिर 12 मंथ्स का रेंट है रुपीज 5,000. और रेंट पर मीटर स्क्वायर, एक मीटर स्क्वायर का फॉर 1 मंथ, ये तो 12 मंथ्स का है. 1 मंथ के लिए कितना रेंट होगा? दैट मीन्स 5,000 डिवाइड बाय 12. सो अब हमें पता है 1 मंथ का रेंट कितना है, तो 3 मंथ का रेंट कितना होगा? रेंट पर मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स, एक मीटर स्क्वायर का 3 मंथ का रेंट. सो 5,000 बाय 12 इंटू 3, सो यहाँ से वैल्यू कैंसिल आउट होगी. This is rupees 1,250. ये रेंट आएगा फॉर 3 मंथ्स के लिए 1,250 रुपीज. अब हमारे पास अगर एरिया होगी तो हमारे को पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का 3 मंथ का रेंट कितना है. तो पूरा इतना मीटर स्क्वायर का कितना रेंट होगा, तो पहले हम इसका एरिया फाइंड करेंगे. सो एस मतलब सेमी पेरीमीटर. फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय टू. तो पहली साइड हम किसी को भी ले सकते हैं. सपोज फर्स्ट इज 122, फिर हमारे पास है 22 एंड देन 120 बाय टू. तो ये आता है 264 बाय टू, दैट मीन्स 132 मीटर्स. सो यूजिंग हिरॉन्स फॉर्मूला एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल is S, S minus A, S minus B, S minus C. तो हमारे पास S मतलब सेमी सेंटीमीटर है 132, 132 माइनस A, A मतलब पहली साइड, 132 माइनस B मतलब दूसरी साइड, 132 माइनस C मतलब थर्ड साइड विच इज 120. तो ये आया 132, इसमें से 122 लेस हो गया तो ये बाकी बचा 10. इसमें से लेस हुआ 22, दैट मीन्स 110. 120 लेस हुआ तो दैट मीन्स 12. इसको सॉल्व करके हमारे पास आता है 132 इज 12 इंटू 11. देन एज दिस 11 को ब्रेक किया तो 10 इंटू 11 इंटू 12. हमने जब 132 को ब्रेक किया तो लिखा 12 इंटू 11. आप इसको एलसीएम लेकर भी ब्रेक कर सकते हैं. 10 को एज दिस लिख दिया, सो कैसे भी आप स्प्रेड कर सकते हैं. सो दो 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा, दो 11 में से एक 11 बाहर, दो 12 में से एक 12 बाहर. तो ये आया 1,320 मीटर स्क्वायर. ये हमारे पास आ गया एरिया. तो मतलब पूरा एरिया इतना है, एक मीटर स्क्वायर का 3 मंथ का रेंट इतना है. तो हमारे पास रेंट फॉर 1,320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स इज इक्वल टू 1,320 इंटू 1,250. ये आ रही हमारे पास वैल्यूज. तीन मंथ का रेंट कितना आएगा? सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 इंटू 125. तो दिस इज 1,650 बाद में ये दो जीरो से आई थी, तो डबल जीरो रुपीज. सो दिस इज द रेंट फॉर 3 मंथ का इस एरिया का. तो पहले मैंने कहा कि एक मंथ का रेंट कितना है,
पर मीटर स्क्वायर पे, 3 मंथ का रेंट कितना है पर मीटर स्क्वायर पे, फिर हमने पूरे का एरिया निकाला कि 3 मंथ का इतने एरिया का रेंट कितना है. सो दिस वॉज सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 12.1 एंड टू वॉज द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चन. गुड बाय.